ध्यान योग का वर्णन। श्री हरि ने पुनः कहा, अब मैं भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले योग को कह रहा हूँ। योगियों के द्वारा ध्यानगम्य जो देव हैं, उन्हें ही ईश्वर कहा जाता है। हे महेश्वर, उनके लिए किए जाने वाले योग को सुने। ये योग समस्त पापों का विनाशक है। योगी को आत्मस्वरूप परमात्मा की स्वयं में इस प्रकार भावना करनी चाहिए। मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही सभी का ईश्वर हूँ, मैं ही अनंत हूँ और मैं ही छह उर्मियों शोक मोह जरा मृत्यु क्षुधा एवं पिपासा से रहित हूँ। मैं ही वासुदेव हूँ, मैं ही जगन्नाथ और ब्रह्मरूप हूँ। मैं ही समस्त प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला आत्मा और सर्वदेह विमुक्त परमात्मा हूँ। मैं ही शरीर धर्म से रहित शर समस्त प्रपंच अक्षर कूटस्थ चेतना भोक्ता से अतीत मन के साथ पांच इंद्रियों में मूल शक्ति रूप से स्थित मैं स्वयं अतीन्द्रिय इंद्रियों से अग्राह्य होता हुआ दृष्टा श्रोता एवं घ्राता गंध ग्रहण करने वाला हूँ। मैं इंद्रिय धर्म से रहित जगत का सृष्टा नाम और गोत्र से शून्य मननशील सबके मन में स्थित देवता हूँ। किंतु मुझ में मन नहीं है और न तो उसका धर्म ही है। मैं ही विज्ञान तथा ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं ही समस्त ज्ञान का आश्रय बुद्धि रूप गुहा में स्थित प्राणी मात्र का साक्षी तटस्थ दृष्टा तथा सर्वज्ञ और बुद्धि की अधीनता से मुक्त हूँ। मैं ही बुद्धि के धर्मों से भी शून्य हूँ। मैं ही सर्वस्वरूप सर्वगत मनस स्वरूप और प्राणी मात्र के किसी भी प्रकार के बंधन से सर्वथा विनिर्मुक्त तथा प्राणधर्म बुभुक्षा एवं पिपासा से विमुक्त हूँ। मैं ही प्राणियों का प्राण स्वरूप हूँ। मैं ही महाशांत भय शून्य तथा अहंकार आदि से रहित हूँ और अहंकार जन्य विकारों से भी रहित मैं ही हूँ। मैं जगत का साक्षी जगत का नियंता और परमानंद स्वरूप हूँ। जागृत स्वप्न एवं सुषुप्ति इन सभी अवस्थाओं में जगत का साक्षी होते हुए भी मैं इन अवस्थाओं से रहित हूँ। मैं ही तुरी ब्रह्म और विधाता हूँ। मैं ही दृग रूप हूँ। मैं ही निर्गुण मुक्त बुद्ध शुद्ध प्रबुद्ध अजर सर्वव्यापी सत्य स्वरूप एवं शिव स्वरूप परमात्मा हूँ। इस प्रकार जो विद्वान इन परमपद परमेश्वर का ध्यान करते हैं वे निश्चय ही ईश्वर का सारूप प्राप्त कर लेते हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे सुव्रत शंकर, आपसे ही इस ध्यान योग की चर्चा मैंने की है। जो व्यक्ति सदैव इस ध्यान योग का पाठ चिंतन मनन करता है वो विष्णु लोक को प्राप्त करता है। विष्णु सहस्र नाम। श्री रुद्र ने पूछा, हे प्रभु, मनुष्य किस मंत्र का जप करके इस अथाह संसार सागर से पार हो सकता है? आप जप करने योग्य उस श्रेष्ठ मंत्र को मुझे बताएं। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, परम ब्रह्म परमात्मा नित्य परमेश्वर भगवान विष्णु की सहस्र नाम से स्तुति करने पर मनुष्य भवसागर को पार कर सकता है। हे वृषभध्वज, मैं उस पवित्र श्रेष्ठतम और जप करने योग्य विष्णु सहस्र नाम को कहता हूँ। वो समस्त पापों को विनष्ट करने वाला स्तोत्र है, आप उसे सावधान होकर सुने। हे वृषभध्वज, मैंने सर्व पाप विनाशक जगदीश्वर देवाधिदेव विष्णु के इस सहस्र नाम का जो कीर्तन किया है, इसका पाठ करने से ब्राह्मण विष्णुत्व अर्थात विष्णु स्वरूप क्षत्रिय विजय वैश्य धन तथा सुख और शूद्र विष्णु की भक्ति प्राप्त करता है। भगवान विष्णु का ध्यान एवं सूर्यार्चन निरूपण। रुद्र ने कहा, हे शंख चक्र और गदा को धारण करने वाले भगवान हरि, आप पुनः देव देवेश्वर शुद्ध रूप परमात्मा विष्णु के ध्यान का वर्णन करें। हरि ने कहा, हे रुद्र, संसार रूपी वृक्ष का विनाश करने वाले वे हरि ज्ञान रूप अनंत सर्वव्याप्त अजन्मा और अव्यय हैं। वे अविनाशी सर्वत्र गामी नित्य महान अद्वितीय ब्रह्म हैं। संपूर्ण संसार के मूल कारण तथा समस्त चराचर में गतिमान परमेश्वर हैं। वे समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले तथा सभी के ईश्वर हैं। संपूर्ण जगत का आधार होते हुए भी वे स्वयं निराधार हैं, सभी कारणों के कारण हैं। सांसारिक विषयों की आसक्ति से परे उनकी स्थिति है। वे निर्मुक्त हैं, मुक्त योगियों के ध्येय हैं। वे स्थूल शरीर से रहित नेत्र पाणी पाद पायु उपस्थादि समस्त इंद्रियों से विहीन हैं। वे हरि मन एवं मन के धर्म संकल्प विकल्प आदि से रहित हैं। वे बुद्धि से रहित बुद्धि धर्म विवर्जित अहंकार से शून्य चित्त से अग्राह्य प्राण अपान व्यानादि वायु से रहित हैं। हरि ने कहा, अब मैं सूर्य की पूजा का पुनः वर्णन करता हूँ जो प्राचीन काल में भृगु ऋषि को सुनाई गई थी। ओम खगोलकाय नमः, ये भगवान सूर्यदेव का मूल मंत्र है जो साधक को भोग और मोक्ष प्रदान करता है। अतः मंत्र से अंगन्यास करके साधक को सूर्यदेव की पूजा करनी चाहिए।
सूर्य का ये मंत्र साधक के समस्त पापों को विनाश करने वाला है। इसे अग्नि प्राकार मंत्र भी कहते हैं। भगवान सूर्य को प्रसन्न करने वाला मंत्र सूर्य गायत्री मंत्र कहलाता है। इस मंत्र जप के पश्चात साधक को सूर्य एवं गायत्री का सकलीकरण करना चाहिए। साधक को प्रत्येक दिशा प्रदिशा में दिक्पाल देवों के प्रणाम के लिए निवेदन करना चाहिए। ओम धर्मात्मने नमः पूर्व में, ओम यमाय नमः दक्षिण में, ओम दंड नायकाय नमः पश्चिम में, ओम देवताय नमः उत्तर में, ओम श्याम पिंगलाय नमः ईशान में, ओम दीक्षिताय नमः अग्निकोण में, ओम वज्रपाणे नमः नैऋत्य कोण में, ओम भूर्वस्वः नमः वायुकोण में। हे वृषध्वज, साधक को चाहिए कि वो मंत्रों से पूर्वादि दिशाओं से प्रारंभ करके ईशान कोण तक चंद्रादि ग्रहों की भी पूजा करे। तीन मंत्रों से सूर्यदेव को प्रणाम करके उन देव को अर्घ्यादि प्रदान करने के लिए आवाहित करना चाहिए। मंत्र से आवाहित इन अभीष्ट देव का मंत्र से विसर्जन करें। हे सहस्र रश्मि भगवान आदित्य, आपके लिए मेरा प्रणाम है। हे कृपालु, आप पुनः आगमन के लिए सुखपूर्वक पधारें। हरि ने कहा, हे रुद्र, मैं पुनः सूर्य पूजा की विधि का वर्णन करूंगा, जिसे मैंने पहले कुबेर से कहा था। सूर्य पूजा प्रारंभ करने के पूर्व एकाग्रचित्त होकर पवित्र स्थान पर कर्णिकायुक्त अष्टदल कमल बनाए, तदनंतर सूर्यदेव का आवाहन करें। तत्पश्चात भूमि पर निर्मित कमलदल के मध्य में यंत्र रूपी खखोल्क भगवान सूर्य की उनके परिकरों के साथ स्थापना करें तथा उन्हें स्नान कराए। हे शिव, इसके बाद साधक अग्निकोण में अभीष्ट देव के हृदय की स्थापना करे, ईशान कोण में सिर की स्थापना करके नैऋत्य कोण में शिखा का विन्यास करे। वो पुनः एकाग्रचित्त होकर पूर्व दिशा में उनके धर्म, वायुकोण में उनके नेत्र और पश्चिम दिशा में उनके अस्त्र का विन्यास करे। इसी प्रकार अष्टदल कमल के ईशान कोण में चंद्र, पूर्व दिशा में मंगल, अग्निकोण में बुध, दक्षिण दिशा में बृहस्पति, नैऋत्य कोण में शुक्र, पश्चिम दिशा में शनि, वायुकोण में केतु एवं उत्तर दिशा में राहु के पूजन का विधान है। अतः साधक को इन सभी ग्रहों की पूजा करके द्वितीय कक्ष में साथ ही द्वादश सूर्यों की पूजा भी करनी चाहिए। भग, सूर्य, अर्यमा, मित्र, वरुण, सविता, धाता, विवस्वान, त्वष्टा, पूषा, इंद्र और विष्णु, ये द्वादश सूर्य कहे गए हैं। द्वादश सूर्यों की पूजा करने के बाद पूर्वादि दिशाओं में इंद्रादि देवों की अर्चना करें तथा जया, विजया, जयंती एवं अपराजिता शक्तियों की और शेष, वासुकी आदि नागों की पूजा करें। मृत्युंजय मंत्र जप की महिमा। सूत जी ने कहा, अब मैं मृत्युंजय पूजा का वर्णन करूंगा, जिसको गरुड़ ने कश्यप ऋषि से कहा था। वो साधक का उद्धार करने वाली पुण्य प्रदायिनी एवं सर्वदेवमय पूजा है, ऐसा सभी का अभिमत है। सूत जी ने कहा, मृत्युंजय मंत्र ओम जुंग सह तीन अक्षरों वाला है। पहले ओंकार का उच्चारण करके जुंग हुंग का उच्चारण करें, तदनंतर विसर्ग के साथ सह का उच्चारण करना चाहिए। ये मंत्र मृत्यु और दरिद्रता का मर्दन करने वाला है तथा शिव, विष्णु, सूर्य आदि सभी देवों का कारणभूत है। ओम जुंग सह ये महामंत्र अमृतेश के नाम से कहा जाता है। इस मंत्र का जप करने से प्राणी संपूर्ण पापों से छूट जाता है और मृत्यु रहित हो जाता है, अर्थात मृत्यु के समान होने वाले उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। इस मंत्र का 100 बार जप करने से वेदाध्ययन जनित पुण्यफल तथा यज्ञकृत फल एवं तीर्थ स्नान दान पुण्यादि का फल प्राप्त होता है। तीनों संध्याओं में 108 बार इस मंत्र का जप करने से मनुष्य मृत्यु को जीत लेता है, कठिन से कठिन विघ्न बाधाओं को पार कर जाता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। भगवान मृत्युंजय श्वेत कमल के ऊपर बैठे हुए वरदहस्त तथा अभय मुद्रा धारण किए रहते हैं। तात्पर्य ये कि उनके एक हाथ में अभय मुद्रा है और एक हाथ में वरद मुद्रा, दोनों हाथों में अमृत कलश है। इस रूप में अमृतेश्वर का ध्यान करने के साथ ही अमृतेश्वर भगवान के वामांग में रहने वाली अमृत भाषिणी अमृता देवी का भी ध्यान करना चाहिए। देवी के दाएं हाथ में कलश और बाएं हाथ में कमल सुशोभित रहता है। हे शिव, यदि एक मास तक अमृता देवी के साथ अमृतेश्वर भगवान का ध्यान करते हुए मानव ओम जुम सह इस मंत्र का तीनों संध्याओं में 8000 जप करे तो वो जरा, मृत्यु तथा महाव्याधियों से मुक्त हो जाता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। ये मंत्र महान शांति प्रदान करने वाला है। अमृतेश्वर भगवान की पूजा में आवाहन, स्थापन, रोधन, प्रतिष्ठा,
सन्निधान निवेशन करने के बाद पाद्य आचमन स्नान अर्घ्य माला अनुलेपन दीप वस्त्र आभूषण नैवेद्य पान आचमन वीजन पंखे से हवन करना मुद्रा प्रदर्शन मंत्र जप ध्यान दक्षिणा आहुति स्तुति वाद्य और गीत तथा नृत्य न्यास योग और प्रदक्षिणा साष्टांग प्रणति मंत्र शैया वंदन आदि उपचारों को निवेदित करके उनका विसर्जन करना चाहिए। षडंग प्रकार का पूजन जिसे परमेश परमात्मा ने अपने मुख से स्वयं कहा है वो क्रम से बतलाया गया है, उसे जो जानता है वही पूजक है। षडंग पूजा इस प्रकार है। साधक को प्रारंभ में अर्घ्य प्रदान करने के लिए प्रयुक्त पात्र की पूजा करके अस्त्र अर्थात फट मंत्र से हस्त ताड़न दाहिने हाथ के द्वारा बाएं हाथ पर ध्वनि करना चाहिए। उसके बाद कवच हुंग मंत्र से शोधन कर अमृतकरण की क्रिया को पूर्ण करें। तत्पश्चात आधार शक्ति आदि की पूजा प्राणायाम आसनोपवेशन तथा देह शुद्धि करके भगवान अमृतेश का ध्यान करना चाहिए। तदनंतर अपनी आत्मा को देव स्वरूप में स्वीकार कर अंगन्यास करन्यास करके साधक हृदय कमल में स्थित ज्योतिर्मय आत्मदेव का पूजन करें। उसके बाद मूर्ति पर अथवा यज्ञ के लिए बनी हुई वेदी पर चित्रित देव के ऊपर सुंदर पुष्प अर्पित करें। द्वार पर अवस्थित रहने वाले देवों का आवाहन और पूजन करने के लिए पहले आधार शक्ति की पूजा करें। तदनंतर देवता की प्रतिष्ठा करके उनके परिवार का पूजन करना चाहिए, क्योंकि विद्वानों ने बतलाया है कि मुख्य देव की पूजा के साथ उसके अंग परिवार आदि की भी पूजा करने का विधान है। आयुधों एवं परिवारों के साथ धर्म आदि की तथा इंद्र आदि की युगों वेदों और मुहूर्तों की भी मुख्य देव के रूप में पूजा करनी चाहिए। ये पूजा भुक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली है, अतः साधक विद्वानों को उनकी षडंग पूजा करनी चाहिए। देवमंडल की पूजा करने के पूर्व मातृका गण देवता नंदी और गंगा की पूजा करके देवस्थान के देहली भाग पर महाकाल तथा यमुना जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा में ओम अमृतेश्वर भैरवाय नमः तथा ओम जुं हंग सह सूर्याय नमः कहना चाहिए। इसी प्रकार प्रारंभ में प्रणव मंत्र ओंकार को जोड़कर नामोच्चार करते हुए अंत में नमः शब्द का प्रयोग करके शिव कृष्ण ब्रह्मा गण चंडिका सरस्वती और महालक्ष्मी आदि की पूजा करनी चाहिए। सर्पों के विष हरने के उपाय तथा दुष्ट उपद्रवों को दूर करने के मंत्र प्राणेश्वरी विद्या। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियो, अब मैं शिव द्वारा पक्षीराज गरुड़ को सुनाए गए प्राणेश्वर महामंत्र का वर्णन करता हूँ, किंतु उसके पूर्व उन स्थानों का वर्णन करूँगा जहाँ सर्प के काटने से प्राणी जीवित नहीं रह सकता। शमशान वल्मीक बाम्बी पर्वत कुआं और वृक्ष के कोटर, इन स्थानों में स्थित सर्प के द्वारा काट लेने पर यदि उस दांत लगे स्थान पर तीन प्रच्छन्न रेखाएं बन जाती हैं तो वो प्राणी जीवित नहीं रहता है। षष्ठी तिथि में कर्क और मेष राशि में आने वाले नक्षत्रों तथा मूल अश्लेषा मघा आदि क्रूर नक्षत्रों में सर्पदंश होने से प्राणी का जीवन समाप्त हो जाता है तथा कांख कटी गला संधि स्थान मस्तक या कनपटी के अस्थिभाग और उदरादि में काटने पर प्राणी जीवित नहीं रहता है। यदि सर्पदंश के समय दंडी शस्त्रधारी भिक्षु तथा नग्न प्राणी का दर्शन होता है तो उसे काल का ही दूत समझना चाहिए। हाथ मुख गर्दन और पीठ में सर्प के काटने से प्राणी जीवित नहीं बचता है। दिन के प्रथम भाग के पूर्व अर्धयाम का भोग सूर्य करता है। उस दिवाकर भोग के पश्चात गणनाक्रम में जो ग्रह आते हैं उन ग्रहों के द्वारा यथाक्रम शेष यामों का भोग होता है। इस कालगति में प्रत्येक दिन 6 परिवर्तनों के साथ अन्य शेष ग्रहों का भोग माना गया है, यथा ज्योतिषियों ने कालचक्र के आधार पर रात्रिकाल में शेषनाग सूर्य वासुकी नाग चंद्र तक्षक नाग मंगल कर्कुटक नाग बुध पद्मनाग गुरु महापद्मनाग शुक्र शंखनाग शनि और कुलिक नाग राहु को स्वीकार किया। रात या दिन में बृहस्पति का भोग काल आने पर सर्प देवों का भी अंत करने वाला हो जाता है, अतः इस काल में सर्प द्वारा काटा गया प्राणी बच नहीं सकता है। दिन में शनि ग्रह की वेला के आने पर राहु अशुभ धर्म से संयुक्त रहता है, अतः वो अपने यामार्ध भोग और संधिकाल की अवस्थिति में काल अर्थात यमराज की गति के समान गतिमान रहता है। रात्रि और दिन का मान लगभग 30-30 घटी का होता है। इस मान के अनुसार निर्मित कालचक्र में चंद्रमा प्रतिपदा तिथि को पादांगुष्ठ द्वितीया को पैर से ऊपर तृतीया को गुल्प चतुर्थी को जानु
पंचमी को लिंग, षष्ठी को नाभि, सप्तमी को हृदय, अष्टमी को स्तन, नवमी को कंठ, दशमी को नासिका, एकादशी को नेत्र, द्वादशी को कान, त्रयोदशी को भौं, चतुर्दशी को शंख अर्थात कनपट्टी तथा पूर्णिमा एवं अमावस्या को मस्तक पर निवास करता है। पुरुष के दक्षिणांग में तथा स्त्री के वाम भाग में चंद्र की स्थिति होती है। चंद्र की स्थिति जिस अंग में होती है उस अंग में सर्प के डसने पर प्राणी जीवित बच सकता है। यद्यपि सर्पदंश से शरीर में उत्पन्न हुई मूर्छा शीघ्र समाप्त होने वाली नहीं है, फिर भी शरीर मर्दन से वो दूर हो सकती है। स्फटिक के समान निर्मल ओम हंस नामक बीज मंत्र साधक का परम मंत्र है। विष रूपी पाप को नष्ट करने में समर्थ इस बीज मंत्र का प्रयोग सर्पदंश से मूर्छित प्राणी पर करना चाहिए। इसके चार प्रकार हैं। प्रथम मात्रा बीज बिंदु से युक्त है, दूसरा पांच स्वरों से संयुक्त है, तीसरा छह स्वरों वाला और चौथा विसर्ग युक्त है। प्राचीन समय में पक्षीराज गरुड़ ने तीनों लोकों की रक्षा के लिए ओम कुरु कुले स्वाहा इस महामंत्र को आत्मसात किया था। अतः सर्प एवं सर्पिणियों के विष को शांत करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को मुख में ओम, कंठ में कुरु, दोनों गुल्फों में कुले तथा दोनों पैरों में स्वाहा मंत्र का न्यास करना चाहिए। जिस घर में उपयुक्त मंत्र भली प्रकार से लिखा रहता है सर्प उस घर को छोड़कर चले जाते हैं। जो मनुष्य 1000 बार इस मंत्र के जप से अभिमंत्रित सूत्र को कान पर धारण करता है उसको सर्प भय नहीं रहता। जिस घर में इस मंत्र से अभिमंत्रित शर्करा खंड फेंक दिए जाते हैं उस घर को भी सर्प छोड़ देते हैं। देवताओं और असुरों ने इस मंत्र का 7 लाख जप करके सिद्धि प्राप्त की थी। इसी प्रकार एक अष्टदल पद्म का रेखांकन कर उसके प्रत्येक दल पर इस ओम सुवर्ण रेखे कुक्कुट विग्रह रूपिणी स्वाहा मंत्र के 2-2 वर्ण लिखे तथा ओम पक्षी स्वाहा इस मंत्र से अभिमंत्रित जल के द्वारा स्नान कराने से विष विह्वल प्राणी का विष दूर हो जाता है। ओम पक्षी स्वाहा इस मंत्र के द्वारा अंगुष्ठ भाग से लेकर कनिष्ठा पर्यंत कर्न्यास तथा मुख, हृदय, लिंग और पैरों में अंगन्यास करे तो विषधर नाग ऐसे मनुष्य की छाया को स्वप्न में भी नहीं ला सकता। जो मनुष्य इस मंत्र का 1 लाख जप करके सिद्धि प्राप्त कर लेता है वो अपनी दृष्टि मात्र से व्यथित व्यक्ति के शरीर में व्याप्त विष को नष्ट कर देता है। ओम ह्रीं ह्रौं ह्रीं भी रुंडाय स्वाहा इस मंत्र का जप सर्पदंशित व्यक्ति के कान में करने पर विष का प्रभाव क्षीण हो जाता है। यदि दोनों पैर के अग्रभाग में अ आ, गुल्फ में ई ई, जानु में उ उ, कटी में ए आय, नाभि में उ, हृदय में औ, मुख में अंग तथा मस्तक में अह वर्ण का स्थापन कर ओम हंसः बीज मंत्र के सहित न्यास करके साधक इस बीज मंत्र का ध्यान पूजन और जप करे तो सर्प विष को दूर कर सकता है। मैं स्वयं गरुड़ हूँ, ये ध्यान करके साधक को विष शमन का कार्य करना चाहिए। हंग बीज मंत्र का शरीर में विन्यास विषादी का हरण करने वाला कहा गया है। वाम हाथ में हंस मंत्र का न्यास करके जो साधक इस मंत्र का ध्यान पूजन और जप करता है उस सर्प विष को दूर करने में समर्थ होता है, क्योंकि ये मंत्र विषधर नागों के नासिका भाग और मुंह की श्वास नलिका को भी रोकने में पूर्ण समर्थ है। ये मंत्र शरीर की त्वचा मांस आदि में व्याप्त सर्प विष को भी विनष्ट कर देता है। सर्प दंश से मूर्छित प्राणी के शरीर में ओम हंस मंत्र का न्यास करके भगवान नीलकंठ आदि देवों को भी ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से ये मंत्र अपनी वायु शक्ति के द्वारा उस संपूर्ण विष का हरण कर लेता है। प्रत्यंगिरा की जड़ को चावल के जल के साथ पीस कर पीने से विष का प्रभाव दूर हो जाता है। पुनर्नवा, प्रियंगु, ब्राह्मी, श्वेत, बृहति, कूष्मांड, अपराजिता की जड़, गेरु तथा कमल गट्टे के फल को जल में पीस कर घृत के साथ लेप तैयार करना चाहिए। इस प्रकार बना हुआ लेप शरीर में लगाने से विष को शांत कर देता है। सर्प के काटने पर जो मनुष्य उष्ण गर्म घृत का पान कर लेता है उसके शरीर में विष का अधिक प्रभाव नहीं बढ़ता। सर्पदंश होने पर शिरीष नामक वृक्ष के पंचांग, पत्र, पुष्प, फल, मूल एवं छाल के सहित गाजर के बीजों को पीस कर सर्वांग में लेप करने से अथवा पीने से भी विष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। ओम ह्रीम बीज मंत्र गोनस, गोहुवन आदि विषैले सर्पों के विष को दूर करने में समर्थ है। इस मंत्र के साथ अह का प्रयोग कर अर्थात ओम ह्रीम अह का उच्चारण करते हुए हृदय, ललाट आदि में विन्यास करके
उसका ध्यान करने मात्र से ही सर्पादि का वशीकरण हो जाता है। इसका 15,000 जप करके साधक गरुड़ के समान सर्वगामी, कवि, विद्वान, वेदविद हो जाता है तथा दीर्घायु को प्राप्त करता है। सूत जी ने पुनः कहा, ऋषियों, अब मैं आप सभी को शिव के द्वारा कथित अत्यंत गोपनीय मंत्रों को बताऊंगा, जिनसे अभिमंत्रित पाश, धनुष, चक्र, मुदर, शूल और पट्टिश नामक आयुधों को धारण करके राजा शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। मंत्रोद्धार के लिए कमल पत्र पर अष्टवर्ग बनाकर पूर्व दिशा से शुरू करके क्रमशः ईशान कोण तक बीज मंत्र ओम ह्रीम ह्रीम को लिखना चाहिए। ओंकार ब्रह्म बीज है, ह्रींकार विष्णु बीज है और ह्रींकार शिव बीज है। त्रिशूल के तीनों शीर्ष पर ह्रींग लिखकर क्रमानुसार न्यास करें। मंत्र ओम ह्रीम ह्रीम है। साधक हाथ में शूल ग्रहण करे, तत्पश्चात उसको आकाश में घुमाए। इसे देखते ही दुष्ट ग्रह और सर्प नष्ट हो जाते हैं। साधक धूम्र वर्ण के धनुष को हाथ में लेकर आकाश की ओर भुजा उठाकर इस मंत्र का चिंतन करे। ऐसा करने से दुष्ट विषैले सर्प, कुत्सित ग्रह, विनाशकारी मेघ और राक्षस नष्ट होते हैं। ये मंत्र तो त्रिलोक की रक्षा करने में समर्थ है, मृत्युलोक के विषय में तो कहना ही क्या है। ओम जूम सूम हूं फट, ये दूसरा मंत्र है। साधक खैर की 8 लकड़ियों को इसी मंत्र से अभिमंत्रित कर उन्हें 8 दिशाओं में गाड़ दे तो उस किलांकित क्षेत्र में वज्रपात, विद्युत निपात तथा इसकी गर्जना का उपद्रव नहीं होता। गरुड़ द्वारा कहे गए इस मंत्र से 8 किलों को 21 बार अभिमंत्रित कर रात्रि के समय अपने अभीष्ट क्षेत्र की चारों दिशाओं और विदिशाओं में गाड़ देना चाहिए। इससे भी वहां विद्युत निपात, वज्रपतन तथा चूहा, टिड्डी आदि से होने वाले उपद्रवों का भय नहीं रहता। ओम राम सदाशिवाय नमः, ऐसा कहकर साधक तर्जनी अंगुली के द्वारा अनार पुष्प के सदृश कांतिमान एक पिंड का निर्माण करे। उस पिंड के प्रदर्शन मात्र से ही दुष्ट जन, मेघ, विद्युत, विष, राक्षस, भूत और डाकिनी आदि 10 दिशाओं को छोड़कर भाग जाते हैं। ओम ह्रीम गणेशाय नमः, ओम ह्रीम स्तंभनादि चक्राय नमः, ओम ऐं ब्राह्मय त्रैलोक्य डामराय नमः। इस मंत्र संग्रह को भैरव पिंड कहा जाता है। ये भैरव पिंड विष तथा पाप ग्रहों के कुप्रभाव को समाप्त करने में समर्थ है। ये साधक के कार्यक्षेत्र की रक्षा और भूत राक्षसादि की उपद्रवी शक्तियों को नष्ट करता है। ओम नमः, ये कहकर साधक अपने हाथ में इंद्र वज्र का ध्यान करे। इस वज्र मुद्रा से विष, शत्रु और भूतगण विनष्ट हो जाते हैं। ओम शुं नमः, इस मंत्र से बाएं हाथ में पाश का स्मरण करे, जिससे विष तथा भूतादि का विनाश होता है। इसी प्रकार ओम राम नमः, इस मंत्र के उच्चारण से उपद्रवकारी मेघ और पाप ग्रहों के प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। कृतांत यमराज का ध्यान करके साधक छेदक अस्त्र भाले से शत्रु समूह का विनाश करे। ओम शर नमः, इस मंत्रोच्चार के साथ काल भैरव का ध्यान करके मनुष्य, पाप ग्रह, भूत, विष के प्रभाव का शमन कर सकता है। ओम लसद द्विजुवाक्ष स्वाहा, इस मंत्र का ध्यान करके मनुष्य, खेतीबाड़ी में विघ्न डालने वाले ग्रह, भूत, विष और पक्षियों का निवारण कर सकता है। ओम श्व नमः, इस मंत्र को रक्त वर्ण की स्याही से नगाड़े पर लिखकर उसे बजाना चाहिए। उसके शब्दों को सुनकर पापग्रह आदि सभी उपद्रवकारी तत्व भयभीत हो उठते हैं।